Mini Vehicles Restoration। खिरोल नाम के गांव में लक्ष्मण नाम का व्यक्ति कबाड़ी का काम करता था। उसके पास श्याम नाम का व्यक्ति काम करता था। लक्ष्मण बहुत लालची था, श्याम से काम तो कराता था पर उसे पैसे कभी नहीं देता था। एक दिन लक्ष्मण के पास कुछ मिनी व्हीकल्स आए। उन्हें देखकर लक्ष्मण श्याम से, सुन, उन मिनी व्हीकल्स के पुर्जे पुर्जे निकाल दो, फिर उसको तोल कर उसका वजन देखो और अलग रख देना, थोड़ी देर में अपना ट्रक आने वाला है। भाई साहब, इन मिनी व्हीकल्स में कुछ तो अच्छे हैं, उन्हें रिस्टोर करके फिर से बेच सकते हैं भाई साहब, अच्छे पैसे मिलेंगे। यो, अब तू मुझे धंधा सिखाएगा? यहाँ मैं सोच रहा था कि तुम्हें तनख्वाह देना ही बेकार है और अब तू मुझे सलाह भी देने लगे। भाई साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कितना काम करता हूँ और आप यूँ मुझे दोष देते हैं, ये गलत है। आप सवेरे से लेकर शाम तक मुझसे गधों जैसा काम कराते हैं। मेरे भी बाल बच्चे हैं, मैं उनको कैसे पालूंगा? भाई साहब, मैं नहीं जानता कि आप क्या करेंगे। आपने मुझे 1,00,000 रुपए देने, आप उसमें से कम 50,000 रुपए देंगे तभी मैं काम करूंगा। अच्छा बच्चू, अब तू मुझे धमका रहा है? जानी तुम्हारी खूब चर्बी चढ़ गई है, अब तुमने मेरे सामने मुंह खोलने की जरूरत की, अब तुम्हें कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, दफा हो जाओ यहाँ से। तब बेचारा श्याम लाचार होकर वहाँ से चला गया। अगले दिन से श्याम लक्ष्मण को भूलकर डंप यार्ड से पुराने मिनी व्हीकल्स लाकर अपने घर के बाहर ही रिस्टोर करने लगा। बाद में उन्हें कम दाम में बेचने के कारण लोग आकर उससे मिनी व्हीकल्स खरीदने लगे। इस तरह श्याम के आर्थिक हालत में भी सुधार आया। एक दिन श्याम डंप यार्ड में जाकर मिनी व्हीकल्स को जमा कर रहा था कि तभी उसे एक व्हीकल चमकती हुई दिखाई दी। उसे घर ले आया और उसे रिस्टोर करने लगा कि तभी उसे वो गोल्डन मिनी व्हीकल के रूप में दिखाई दिया। शाम को शक हुआ, उसने उसमें से एक बोल्ट निकाला और सेठ चमनलाल नाम के सुनार के पास ले गया और उसे चमनलाल को दिखाया। उस बोर्ड को देखकर चमनलाल, अरे भाया श्याम, ये तो एकदम खारिज सोना है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? अरे भाई साहब, ये हमें सड़क पर पड़ा मिला, कुछ पैसों की जरूरत थी, जरा दीजिए भाई साहब। सेठ ने श्याम को पैसे दिए और उसे भेज दिया। यूं कई दिन बीत गए। एक दिन लक्ष्मण चमनलाल के दुकान पर पहुंचा। लक्ष्मण को देखकर चमनलाल ने उसे श्याम द्वारा लाया गया बोर्ड के बारे में बताया। यार लक्ष्मण, वो कोई साधारण सोना नहीं है, मैंने बाद में उसका टेस्ट कराया था, ये कोई पुराना सोना है, हो ना हो उसके हाथ कोई ना कोई गाड़ी जरूर लगी है, वरना ये सोना नट के रूप में क्यों होगा, ये एकदम खारिज सोना है। अरे कुछ भी करो पर वो मुझे लाकर दे दो, जो भी पैसे मिलेंगे दोनों आधा आधा बांट लेंगे। हाँ सेठ, तुम्हारी बातों से मुझे भी शक होने लगा है, आजकल उसके हाव भाव चाल चलन सब बदल गया है, उसे उस कूड़े के ढेर में कुछ ना कुछ जरूर मिला होगा, मैं पता लगाता हूँ वो क्या है, कहकर वहाँ से चला गया। उस रात को शाम अपने परिवार के साथ सो रहा था कि तभी लक्ष्मण ने चोरी से दरवाजा खोला और उसके घर के अंदर चला गया। उसके बाद वो सारे घर की तलाशी लेने लगा। उसे शाम के पलंग के नीचे एक गोल्डन मिनी व्हीकल दिखाई दी। वो उसे चुपचाप लेकर घर से बाहर निकल गया। उसे देखकर श्याम की पत्नी लीला, अजी सुनो, वो लक्ष्मण वो अपना मिनी गोल्डन व्हीकल लेकर जा रहा है। अरे चुप रहो, चिल्लाओ नहीं, टेंशन मत लो, उसे ले जाने दो, मैंने जानबूझकर उसे वहाँ रखा था, वैसे वो असली सोना नहीं है, नकली है। मैं जब वो नट लेकर शेर चमनलाल के पास गया था तब उसकी आंखों में लालच दिखाई दी, इसीलिए मैंने उसके दुकान में जो लड़का काम करता है उसे पटा लिया, उसी ने मुझे परसों आकर चमनलाल और लक्ष्मण के बीच जो बात हुई सब बताया, इसीलिए मैंने फटाफट एक डुप्लीकेट व्हीकल बनाकर पलंग के नीचे रख दिया। पर डुप्लीकेट क्यों? आप छुपा देते तो काफी था ना? अरे पगली, अगर उन्हें ये डुप्लीकेट आज ना मिलता तो लक्ष्मण और चमनलाल
बार बार असली माल को ढूंढते हुए आते, अब क्योंकि उनके हाथ डुप्लीकेट लग गया तो दोबारा जिंदगी में हमारे पास वो मुड़कर नहीं आएंगे। लीला अपने पति के सूझबूझ को देखकर उसकी प्रशंसा करने लगी। अगले दिन लक्ष्मण चमनलाल के पास वो गोल्डन व्हीकल ले गया। चमनलाल ने उसकी जांच की और जब पता चला कि ये नकली सोना है तो दोनों बहुत निराश हुए। तब उन्होंने शाम पर ध्यान देना छोड़ दिया। इतना सारा सोना हाथ लगने पर शाम भी हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रहा। वो डंप यार्ड जाकर पुराने व्हीकल्स लाता, उन्हें रिस्टोर करके कम दाम में बेचते हुए गुजारा करने लगा।